इस समय आप ये तस्वीर जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। 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 अभी तो ये अंगड़ाई है। किसानों के मन में मुद्दा उठाया है। 15 साल और 10 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियों को 15 साल डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सरकार बंद करने जा रही है। कहीं सरकार ने करने वाली है तो पहले अपने घर में देखे। उनके जो वाहन हैं, बच्चे हैं, जो दूसरी गाड़ियां हैं वो काफी पुरानी हैं। तो किसान प्रदर्शन करते हुए करनाल जिला सचिवालय में पहुंचे और उनका किसानों का कहना है कि लगातार इस मुद्दे को पूरे देश में हम उठाएंगे और करनाल से चीज शुरू का बात कहती है। तो हरियाणा में सबसे पहले ये कह दिया था, पहले NCR में, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में लागू करने की बात कही गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसान अपनी समस्या को लेकर नहीं है, ये जनहित की एक समस्या कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर वापस नहीं करती सरकार। हमारा प्रदर्शन रहेगा। SDM को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें किसानों के ट्रैक्टर भी शामिल है, ट्रॉलियां भी शामिल है और आम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी, के जो SDM है उनको जो है यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। SDM साहब क्या ज्ञापन दिया गया, किस चीज का ज्ञापन है, 15 साल की गाड़ियां जो बैन हो रही है उसको लेकर? इसमें अभी जो है जस्ट आपके सामने ही ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिया गया है और उचित माध्यम से सरकार के पास ये ज्ञापन को पहुंचा देंगे, जैसे भी होगा आगे कार्रवाई सरकार द्वारा निर्णय लेकर की। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं सोचा पहले। दूसरी बात, सबसे पहले सरकार को अपना घर साफ करना चाहिए। इनकी आज जो रोडवेज की बसें हैं क्या सारी इस कानून के दायरे में तोड़ी नहीं उन्होंने एक भी? जो मिलिट्री के पास जितने वाहन हैं, जितने टैंकर हैं क्या तोड़े इन्होंने? जो अंग्रेजों के टाइम के चल रहे हैं आज तक भी। सरकारी विभाग है, कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियां चल रही है क्या तोड़ी इन्होंने? ये कानून पहले अपने ऊपर लागू करो। दूसरी बात, रेल के इंजन है, कितने पुराने पुराने इंजन चल रहे हैं क्या तोड़े इन्होंने? पहले अपने घर की सफाई करो, अपने घर का गंद साफ करो, फिर लोगों को बोलना। तो कुछ और आदेश भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो ऐसे पागल लोग हैं, ये कानून बना सकते हैं। आज तो ये वाहनों के लिए एक्ट आया, कल को ये कानून बनाएंगे। ये मकान 20 साल पुराना है, इससे जहरीले गैस निकलनी स्टार्ट होगी, तोड़ दो इस मकान को। ये कानून बनाएंगे के भाई इसके अंदर जो पंखे जो बिजली के उपकरण है इसकी उम्र 1 साल है, साल के बाद बाहर फेंक दो। ये कानून बना सकते हैं कि आदमी जो कर्मचारी है वो 58 साल के बाद सरकारी जो रिटायरमेंट होती है कंडम घोषित है, गोली मार दो उसको। ये कानून बना सकते हैं, पागल लोग हैं, दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये कानून वापिस नहीं लिया तो जो आंदोलन अब हुआ उससे भयंकर आंदोलन होगा देश के अंदर। ये खाली किसानों के ऊपर बात नहीं है, ये आम आदमी की बात है। तो बिल्कुल किसानों में प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? सरकार जो नया एक्ट लेकर आई है जो कि देश के ऊपर, पूरे देश के ऊपर आफत है, ये इतना बर्बरता पूर्ण, इतना पागलपन का भरा हुआ ऐसा कानून नहीं देखा।
कानून बनाने से पहले चाहे कोई अपने घर के अंदर कानून नियम लागू करे उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने से पहले जो कानून बनाने वाला है उसको ये सोचना चाहिए अगर ये कानून तेरे ऊपर लागू हुआ तो तेरे ऊपर क्या बीतेगी, क्या तू उसको बर्दाश्त कर लेगा। सरकार ने आम आदमी के लिए कानून बना दिया कि अपने घर की गंदगी साफ की पहले। 20 को 15 साल ये पेट्रोल का, 10 साल ये इसका पेट्रोल का, 15 साल डीजल के, इसको नष्ट करना जा रही है सरकार। हमारी मांग ये है अभी इस कानून को हरियाणा में खत्म किया जाए बिल्कुल। 10 साल में तो एक लोन नहीं पूरा होता ट्रैक्टर का भी किसी चीज का भी, और उसको ये तोड़ देंगे। किसान तो इतना वो नहीं है, एक किसान बैल लेता है उसको लेता है ऐसा के एक किसान के बैल की 10 साल की उम्र होती है, ये तो 10 साल में उसको मरवा देंगे फिर तो इनका वो चलेगा। इस कानून को हम बिल्कुल खिलाफ है, आज सरकार को चेतावनी देने आए हैं। अगर सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा, इसको नहीं कैंसिल किया, और इसके बाद आंदोलन के तैयारी है पूरी भारतीय किसान। सरकार तो कहती है प्रदूषण बढ़ता है ऐसे, आप ही देख लो भी प्रदूषण कहाँ बढ़ रहा है, इससे प्रदूषण लगे बढ़ने फिर कंपनियों से बंद करवा दे इनको, या सरकार ने प्रदूषण की हुआ इनको नए वाहन दे दो, नए ट्रैक्टर दे दो, नई मोटरसाइकिल दे दो, 10 साल की वजह नए दे दो उनको। सरकार प्रदूषण ये और भी तो सरकार बड़े बड़े घपले लग रहे हैं। यशपाल राणा कोर कमेटी चेयरमैन हरियाणा। क्या कारण लगता है आपको, किस वजह से कर रही है सरकार ये? सिर्फ कंपनियों की मिली भगत हो रही है भी, बड़ी कंपनियों को इनसे कोई टेंडर आए हुए हैं तो उनसे भाई ये पुराने खत्म कर दे, और नए तो लेंगे लोग जी भी ये पुराने खत्म होंगे। ये तो इनकी सोची समझी चाल है पब्लिक को लूटने की, और कुछ नहीं है ना इससे।